कॉलम्स कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है, कितने कॉलम्स अलाउड रहते हैं एक रो में, आप कितने कॉलम्स बना सकते हो, ठीक है, 12 आप मैक्सिमम बना सकते हो और मिनिमम आपके ऊपर है आपको कितने बनाने, पांच पांच के आप दो ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं कि अभी यहाँ पे हम एक फॉर्म डिजाइन करेंगे। आपने फॉर्म डिजाइन किया था क्या, आपने करके देखा क्या प्रैक्टिकल में कभी, यहाँ पे फॉर्म डिजाइन किया तो फिर बताओ या फिर छोड़ नहीं, बूस्टअप मैंने नहीं किया था। सर दो। हाँ, मैं बूस्टअप का बताइए। बोल रहा हूँ। हाँ, बूस्टअप मैंने नहीं किया। हाँ ठीक है, अभी सब कुछ कस्टमाइज हमें फॉर्म डिजाइन करना है यहाँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले एक ड्यू ले लेता हूँ, ड्यू, ओके, क्लास इसको मैं देता हूँ, क्लास इज इक्वल टू कंटेनर, ठीक है, कंटेनर मैंने इसको ले लिया। देन यहाँ पे और एक ड्यू लेता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, क्लास रो कॉलम्स यहाँ पे मुझे चाहिए इसलिए, ठीक है, तो रो मैं यहाँ पे दूंगा। देन इन दोनों ड्यूज को मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, कंटेनर के अंदर रो वाला ड्यू है, ठीक तो यहाँ पे अभी हम दो कॉलम्स बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे ड्यू लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लास इज इक्वल टू कॉल, ओके, एक मैं बनाता हूँ सपोज चार का, फिर तीन का, ओके, एक ड्यू मेरा तीन का रहेगा, ओके, जिसमें मैं मेरा फॉर्म रखूंगा, ओके, और एक खाली एम्प्टी ड्यू रखूंगा यहाँ पे। अगर आपको रखना है, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हो, या फिर कोई इमेज आपको डालना है तो डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। थ्री, तो इसको मीडियम कर लेता हूँ, ठीक है। सेम क्लास हम यहाँ पे दे देते हैं, पांच का, ठीक है, से इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे बाद में, यानी यहाँ पे अगर आपको कुछ डालना है तो डाल देना, ठीक है। तो इसको हम चेक करते हैं कि ये कैसे दिख रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि हमने बैकग्राउंड कलर भी इसको अप्लाई नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ, बीजी हाइफन सपोज लाइट से, ओके, लाइट स्टार्ट, स्पेलिंग गलत है क्या मेरा कहीं पे, लाइक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ओके, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये जूम है, आई थिंक मुझे सेट करता हूँ, ओके, चार देता हूँ, फोर, ठीक है, सेव। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे ले लिया मैंने, इसको भी मैं कुछ क्लास दे देता हूँ, क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट लाइट से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दो कॉलम्स है, एक कॉलम में अभी तक हमने कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है, यहाँ पे हम खाली इन्फो लिखेंगे सब कुछ, कोई भी इन्फो या फिर कोई भी इमेज आपका यहाँ पे रहेगा।
ओके, और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ बीजी हाइफन वन से, ठीक है इतना, ठीक है। तो इतना स्पेस हमारा छोटा है जो हमने यूज नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप मार्जिन और पैडिंग दे सकते हो इसको, या फिर आप इसको अगर सेंटर में करना चाहते हो तो आप जस्टिफाई जो हमने क्लास यूज किया था वो भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो इसको हम देते ही चलो, क्योंकि हमें खाली फॉर्म ही बनाना है। तो इस फॉर्म के अंदर अभी यहाँ से देखो, आपको कभी भी क्या करना है, यहाँ से आपको डेटा उठाना है, यानी बूटस्ट्रैप से आपको हमेशा क्या करना है, यहाँ से आपको डेटा उठाना है। जब भी आपको फॉर्म बनाना है तो यहाँ से आपको जो लगने वाला है उस फॉर्म के रिलेटेड आपको कोड यहाँ से उठाना है, उसको कस्टमाइज करना है, यानी उसके अंदर आपको चेंजेस करने हैं कि कैसे आपको चाहिए। तो जैसे मैं लेआउट में जाता हूँ, तो सबसे पहले तो सपोज मुझे लेना है देखो ये वाला, ओके ये वाला मैं उठाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉलम्स क्यों लिया, मैं कॉलम्स नहीं भी लेता तो भी चलता, बट मुझे उसका विड्थ जो है कॉलम्स के हिसाब से रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलम्स के अंदर डाला है उसको, ओके। तो यहाँ पे हम इसको देते हैं जो लेबल है, लेबल की मुझे इस पर कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो मैं इसको हटा देता हूँ। आईडी की भी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ये पहला जो है फील्ड, ओके ये है हमारा सपोज फर्स्ट नेम फील्ड, ठीक है फर्स्ट नेम फील्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या एंटर करना है, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे हम बनाएंगे बाद में प्लेस होल्डर में हम देंगे लास्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। सेव किया है, इसको हम चेक करते हैं कि यहाँ पे दिख रहा है क्या, देखो दिख रहे हैं क्या दोनों फील्ड, सर। ठीक ठीक है। अभी हमारे दोनों फील्ड यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम क्या हमें क्या करना है, फील्ड्स बनाने, ठीक है। तो ये हमारे दो फील्ड्स हो गए, मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ अच्छे से, ठीक है। ये इस व्यू के अंदर है, एक काम करता हूँ यहाँ पे फॉर्म का साइज थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है। ये मेरा सेकेंड व्यू है इसके अंदर, इस व्यू के अंदर भी क्या है, एक इनपुट फील्ड है, किसके लिए, लास्ट नेम के लिए इनपुट फील्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या मिल रहा है, जब भी मैं इस ट्यूब को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मार्जिन मिल रहा है क्या, मार्जिन 3, ओके। आप चाहो तो इसको कम भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर, ठीक है। अभी ये तो हो गया मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम पे, देन मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे कर लेता हूँ सपोज, यहाँ पे हम अलग से लेते हैं, अभी हमें लेना है सपोज सिटी, ओके ड्रॉप डाउन भी है यहाँ पे, इनपुट ग्रुप्स, हाँ। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अभी ऐसा वाला चाहिए ईमेल आईडी के लिए, ओके ईमेल आईडी के लिए ये वाला फील्ड मुझे चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे इस पर्टिकुलर ड्यू को कॉपी करना पड़ेगा, तो इसके लिए पर्टिकुलर ड्यू कौन सा है, तो ये वाला है, देखो एग्जाम्पल लिखा है क्या यहाँ पे, @gmail.com, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस ड्यू को उठाएंगे, कॉपी करेंगे और हमारे यहाँ पे इस ड्यू के नीचे हम इसको डाल देंगे, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना चाहते हैं उसके बाद, कि नेक्स्ट आपका फील्ड क्या रहेगा, ईमेल आईडी, ठीक है। इसमें क्या यूजर नेम, पासवर्ड,
इस डिव को मैं पिन करता हूँ यहाँ पर, प्लेस होल्डर है यहाँ पर, यूजर नेम इतना इनफ है यहाँ पे, यूजर नेम डाले यहाँ पे खाली, से और इसको हम चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे आ रहा है क्या, बट यहाँ पे हमारा यूजर नेम हमने जो दिया था वो आ रहा है, और यहाँ पे हमें क्या देना है कि एड्रेस जीमेल ही हो, तो यहाँ पे हम देंगे जीमेल। ओके यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, स्पैम टैग में हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका क्या हो gmail.com, gmail.com का ही हम क्या करें यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे थे, उसको मैं थोड़ा से देखो आ रहा है क्या। और बाकी का जो उसमें एट्रीब्यूट्स था उनको भी मैंने हटा दिया क्योंकि उनका मुझे अभी कुछ काम नहीं है, ठीक है। यूजर नेम देन जीमेल, तो हमने यहाँ पे क्या किया जीमेल ले लिया। वैसे ही अगर आपको मोबाइल नंबर चाहिए तो आप मोबाइल नंबर भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो मोबाइल नंबर के रहे क्या कुछ नहीं है, तो नीचे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ मिलता है, तो ये रेडियो बटन का है, बटन से उसके ऊपर के साथ बटन है, बटन है। अगर नहीं होगा तो हम हमारा सिंपल वाला ही फील्ड यूज कर लेंगे, ठीक है, सिंपल वाला ही हम यूज करते हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला है इसी को मैं कॉपी करूंगा यहाँ पे, इसके बाद मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं दूंगा मोबाइल नंबर। खाली मैंने क्या कर दिया, प्लेस होल्डर का नाम चेंज कर दिया, ये मेरा हो गया मोबाइल। ईमेल आईडी के बाद आपका क्या होना चाहिए, मोबाइल नंबर, देखो ठीक है। और उसके बाद अगर आपको सिटी देना है तो सेम आप यहाँ से ले सकते हो, ओके सिटी अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, तो हम यहाँ पे सेम लेना पड़ेगा, तो इसके जगह हम कुछ अलग यहाँ पे लेते हैं, हम लेते हैं रेडियो बटन एंड चेक बॉक्सेस को हम लेते हैं यहाँ से, ओके। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे मीन्स स्टाइल वाले आपको मिलेंगे रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस, तो आपको जो भी पसंद आए आप उनको ले दीजिए, यहाँ से आप उनको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे चेक बॉक्स है, तो पहला वाला जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसी के ऊपर क्या करूंगा, 3 बार इसी को पेस्ट करूंगा अगर मुझे कुछ दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे चेक बॉक्स मैंने लिया, डिफॉल्ट की जगह हम यहाँ पे सपोज इसको लैंग्वेज के लिए बनाते हैं, जैसे हमने आई थिंक एचटीएमएल में भी किया था, लैंग्वेज के लिए किया था क्या हमने, तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो आईडी की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, वैल्यू की फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, वैल्यू हम बाद में देखेंगे। फॉर लेवल इतना सब का कोई जरूरत नहीं है सर फिलहाल, तो इस फॉर का जरूरत नहीं, यहाँ पे हम खाली लिख देंगे सपोज लैंग्वेज मराठी, ठीक है। तो ये एक चेक बॉक्स हो गया मेरा यहाँ पे कॉपी करते यहाँ पे किसारा विजिबल नहीं हो रहा है क्या, से हाँ से रिफ्रेश, हाँ यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसी लाइन में क्या करेंगे, और 2-3 ले लेंगे, तो यहाँ पे मराठी दिया मैं, यहाँ पे देता हूँ मैं हिंदी, ठीक है, और यहाँ पे मैं दूंगा इंग्लिश, ठीक है। 3 ही लेता हूँ मैं फिलहाल, तो हम चेक करते हैं कैसे आ रहे हैं, एक ही चेक इसको हम चेक, आई थिंक मुझे इसको हर बार ड्यू अलग देना पड़ेगा, ठीक है। कॉपी
ओके, बट ये कैसे आया, एक लाइन में आया क्या? नहीं, तो ये एक के नीचे दूसरा है, तो इसके लिए हमें दूसरा कुछ तो यहाँ पे जो स्टाइल है वो देखना पड़ेगा, ओके, कि एक के बाजू में दूसरा होना चाहिए, ऐसा हमें चाहिए, तो ये वाला है, ठीक है, तो इस क्लास का हमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके ओके, यहाँ पे देखो इन लाइन कौन सा क्लास है, यहाँ पे खाली इन लाइन, इस क्लास को मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे कुछ क्लासेस हैं उनको हमें खाली देखना पड़ेगा, ठीक है, इन लाइन, देखो इनलाइन इनलाइन, सेव किया मैंने इसको और रिफ्रेश करूंगा मैं यहाँ पे, देखो एक लाइन में आ गए क्या, अभी खाली मैंने क्लास यहाँ से उठाया। तो ऐसे आपको कस्टमाइज करता आना चाहिए कि इस क्लास को उठा के यहाँ पे ये क्लास अलग दिख रहा है, इस वजह से ये क्या हो रहा है, एक आपको हॉरिजेंटली वो दिखा रहा है, ठीक है, एक लाइन के अंदर वो आपको दिखा रहा है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा चेक बॉक्स। वैसे ही यहाँ पे नीचे रेडियो बटन भी है, तो तीन मुझे लगने वाले हैं, इसको ले लेता हूँ कॉपी, और अभी हम नेक्स्ट इसके नीचे हम बनाएंगे, फिर से हम यहाँ पे कॉपी करूंगा, यहाँ पे ये होगा हमारा चेक बॉक्स, इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे जेंडर। ओके, तो इसमें से भी मुझे कौन सी चीजें काम की हैं, ऑप्शन, ये जो वैल्यू है इसका अभी हमें कुछ काम नहीं है, वैल्यू आईडी इसका अभी हमें फिलहाल कुछ काम नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। वैल्यू जब हम बैकएंड में डेटा लेके जाते हैं तब इसका इस्तेमाल करते हैं, बट अभी फिलहाल हम बैकएंड से कनेक्टेड नहीं है, हम खाली इसको फॉर्म को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ सब कुछ मेल, क्योंकि हम जेंडर के लिए बनाना चाहते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं फीमेल। ओके, नेम आपको जो लगे आप दे दो, ठीक है, यहाँ पर मैं ले देता हूँ सपोज जेंडर। ओके, हमने देखा था कि एचटीएमएल में कि नाम से क्या होता है, ग्रुपिंग बनता है, उसका एक ग्रुप क्रिएट होता है, ठीक है, तो इसको भी मैं अरेंज कर लूंगा एक लाइन में, फॉर्मेट में हम इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद ठीक है, और थर्ड ऑप्शन में दे देता हूँ अदर्स कॉपी, ठीक है, सेव किया, और यहाँ पे चेक करते हैं हम कि यहाँ पे हमें दिख रहा है क्या, देखो मिल रहा है क्या हमें यहाँ पे, अदर आ रहा है, ये एक ही लाइन में आ रहा है ये, क्योंकि इसका भी इन लाइन है, इसका भी इन लाइन है, तो मैं क्या करता हूँ इसको एक ड्यू देता हूँ, ओके, इस चेक बॉक्स से इसको क्या करता हूँ, अभी देखो क्या दिक्कत आ रही है मुझे, दिक्कत क्या आ रही है, पहले देखो कि मेरा जो रेडियो बटन है वो इंग्लिश के बाद चेक बॉक्स के बाद डायरेक्टली दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसको मैं एक ड्यू के अंदर डाल देता हूँ, कॉपी किया इसको, और यहाँ तक ये ड्यू यहाँ पे मैं खत्म करूंगा, ठीक है, सेव किया, और हम चेक करते हैं अभी रिफ्रेश, देखो आया क्या ये नीचे, अभी इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम ड्यू में डाल देंगे, यानी ऐसा दूसरे के साथ होना नहीं चाहिए, तो इसलिए भी हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही एक एमडी ड्यू, एक ड्यू लेंगे, उसके अंदर भी हम इस जेंडर को डाल देंगे, ठीक है, ये जो जेंडर है उसको हम डाल देंगे, और इस ड्यू को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, इस ड्यू को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है, ये हमने क्लोज कर दिया, सेव किया, ठीक है, रिफ्रेश, तो देखो यहाँ तक ये हमारा आ चुका है, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हमारा क्या बाकी रहेगा, सपोज एक सिलेक्ट बॉक्स हमारा बाकी है, ड्रॉप डाउन, तो हम ड्रॉप डाउन भी यहाँ पे ले लेते हैं, उसके बाद बटन से हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है,
यहाँ पे देखो सिलेक्ट नाम का यहाँ पे टैग है, तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, आपको जो भी पसंद आए। देखो यहाँ पे आपको प्री डिफाइन आपको मिलते हैं, ओके, विथ यहाँ पे साइज भी इन लोगों ने कस्टमाइज की हुई है, ठीक है। तो हम पहला वाला जो है उसी को हम ले लेते हैं, ठीक है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ओके। तो देखो ये भी एक डू के अंदर नहीं है, ठीक है, डू के अंदर है क्या ये? नहीं, तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डू के अंदर डालना पड़ेगा, यानी जो हमने अभी लगाया था डू एन डी थ्री मार्जिन बॉटम थ्री, ओके, बॉटम से उसने छोड़ रहा था, ये जो है इसी डू के अंदर में इसको डाल देता हूँ कॉपी। नहीं तो देखो क्या होगा यहाँ पे, दिख रहा है ना? ठीक, बॉटम में हमें देखो क्या छोड़ना है, स्पेस छोड़ना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वो डू का इस्तेमाल करूंगा कॉपी, डू को पेस्ट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप ले लो, सपोज आपके क्या है, हम ले लेते हैं सपोज सिलेक्ट कोर्स, ठीक है, ऐसा हम ले लेते हैं, ठीक की फिलहाल हमें जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं लैंग्वेजेस के कोर्स नाम लिख देता हूँ, सब कुछ जावा, पाइथन, कॉपी। एंगुलर Yes. ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज से कुछ कोर्सेस मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑप्शंस दिख रहे हैं क्या, ओके, सिलेक्ट कोर्स, तो देखो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, और हम लेंगे सपोर्ट्स, अभी हमें लेना है बटन, ठीक है। तो बटन से हमने देखे थे पहले भी, यहाँ पे बटन से देखो ये मैंने हमने पहले भी देखे थे, पहले दिन ही हमने इसको देखा था कि अलग अलग टाइप्स के बटन से जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। ठीक है, तो इसमें से हम इसका या फिर हम आउटलाइन इस बटन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये सक्सेस है, तो मैं सक्सेस का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे, इस बटन का इस्तेमाल करूंगा बटन, ओके, और इसको डालूंगा यहाँ पे फिर से एक डू के अंदर, या फिर डायरेक्टली भी डाल दिया तो भी चलेगा, बट अभी हमने सब जगह मेंटेन किया है क्लास एमडी, तो उस वजह से मैं यहाँ पे उसको डू के अंदर डालूंगा। पहले इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे सपोज से, ठीक है। तो इस क्लास को मैंने लिया, इस डू को कॉपी किया और इस डू को क्लोज कर देता हूँ कॉपी, जो डू मेरा स्टार्ट हुआ था उस डू को मैंने क्लोज कर दिया से। अभी हम इसको चेक करते हैं, तो देखो यहाँ पे आपका जो बटन है ये आपको दिखाई दे, ठीक है। तो अभी हमने कुछ देखे थे क्या यहाँ पे, अगर आपको इसको सेंटर में लाना होगा तो क्या करना है यहाँ पे, अलाइन, इनलाइन सेंटर अलाइन हाइफन सेंटर, ठीक है।
हुआ क्या? नहीं सर, ठीक है, यहाँ पे ये सेंटर में अभी आ गया, इस कॉलम के, इस क्या हुआ, इस कॉलम के सेंटर में वो आया है। जैसे इस टेक्स्ट को भी आप सेंटर में कर सकते हो, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि सेंटर में लाने के लिए आपको, तो टेक्स्ट सेंटर है, जस्टिफाई सेंटर हमने देखा था, जस्टिफाई करके भी है, जस्टिफाई हाइफन आइटम्स हाइफन सेंटर, ये देखा था हमने, ओके। उसके बाद हमने अलाइन सेंटर भी देखा था, तो वो हमने कैसे देखा था, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेंटर लाने के लिए हमने उन दोनों को देखा था, ठीक है। बट यहाँ पे आप सेंटर लाने के लिए आप टेक्स्ट सेंटर भी कर सकते हो, ठीक है। इससे भी क्या हो जाएगा, आपका कंटेंट जो है सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे हमारा आया, ठीक है। तो ये अब अपना हमारा क्या हो, एक बेसिक फॉर्म यहाँ पे हो गया, ठीक है। एक बेसिक फॉर्म हमारा यहाँ पे हो चुका है। तो ऐसे आप कस्टमाइज फॉर्म बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो क्या किया मैंने, समझ को समझा क्या, कॉपी पेस्ट ही किया मैंने, कहाँ से, यहाँ से, इसी वेबसाइट से, ओके। तो हम एक बेसिक वेबसाइट बनाएंगे, एकदम बेसिक होगी, उसमें भी यहीं से हम कंटेंट्स उठाएंगे हर बार। तो मुझे अगर स्लाइडर दिखाना है तो मैं कैरोसेल का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। इससे हम स्लाइडर बना सकते हैं, ठीक है। इमेज आपने देखा होगा, बहुत सारे वेबसाइट्स पे स्लाइडर रहता है, ऐसे स्लाइड चेंज होती है, देखा है क्या? हाँ। तो अच्छा ये हम यहाँ पे स्लाइडर बना सकते हैं। देन आपको नेविगेशन बार मिलता है यहाँ पे, नेवबार, अलग अलग तरीके के नेवबार हमें यहाँ पे मिलते हैं, इनका ही हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बेसिक नेवबार यहाँ पे होगा, ओके। बट यहाँ पे देखो, जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तब मेरा ये एक्शंस और अदर एक्शंस ये दिख रहा है, विजिबल हो रहा है। तो ये डायरेक्टली आपका नहीं होगा, अगर आप इस कंटेंट को कॉपी करके आप डालोगे ना, तो ये डायरेक्टली आपको नहीं विजिबल नहीं होगा। देखो मैं इसको कॉपी करता हूँ और डायरेक्टली मैं डाल देता हूँ, सपोज यहाँ पे। ये फॉर्म समझ में आया ना, बेसिक फॉर्म हमने बनाया यहाँ पे, ऐसे आप कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपको ऐसा यूज करना है तो वही से मैंने उठाया है, आपको हर एक को यूज करना है तो आप यूज भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको चाहिए आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेनर में रो के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, इसको नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सेव किया, और अभी देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या नवाबार, हमारा बेसिक वाला नवाबार यहाँ पे दिख रहा है। बट जब भी मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो रहा है क्या? अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। 1 मिनट, इसको थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ। डार्क बात आईफोन बात से, ठीक है। अभी अच्छा दिख रहा है थोड़ा। तो जब भी मैं इस के ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो ये मुझे इसके सब मेनू नहीं दिख रहा है, जैसे हमने देखा था कि एक्शन और अदर एक्शन हमें दिखना चाहिए, तो वो दिख रहा है क्या हमें अभी यहाँ पे? नहीं नहीं दिख रहा है, सर, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने सबसे पहले दिन देखा था कि जब भी आप बूटस्ट्रैप डाउनलोड करते हो तो हमें दो फोल्डर मिलते हैं, सीएसएस और ऑप्शनली जावास्क्रिप्ट, ओके। तो ऑप्शनली क्यों, कि अभी इसका इस्तेमाल है, ओके। जावास्क्रिप्ट का जो फाइल है, ओके, ये बंडल फाइल जो है या फिर मिन फाइल जो है, ओके, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर बूटस्ट्रैप मिन, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसका आपको पाथ कहाँ पे देना पड़ेगा, जैसे हमने ऊपर इस फाइल के अंदर यहाँ पे देखो सी एस एस फाइल का अप्लाई किया है, सी एस एस फाइल को अप्लाई किया है क्या, किया है ना। तो सेम हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उस फाइल का भी हमें यहाँ पे लिंक देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट, ओके। ये जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट आ गया, जैसे हम सी एस एस के लिए स्टाइल ट्रैक यूज करते थे क्या, यस सर।
हाँ, तो इसके लिए हम स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या देंगे, पाथ यहाँ पे हम देंगे इसको। तो यहाँ पे जीएस और यहाँ पे जीएस आएगा खाली, तो आप देखो कि इसका पाथ क्या है। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, पाथ मैंने आपको तब भी बोला था कि खाली आपको क्या करना है, लास्ट वाले दो फोल्डर यानी ये वाला और जेएस, ये दोनों ही ओके बूटस्ट्रैप के अंदर जो फोल्डर है यही आपको कॉपी करना है। इसको कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद इसको हम दे देंगे यहाँ पे ओके। और जो इसके जो स्लैश को मैं रिवर्स इसको चेंज कर देता हूँ, देन यहाँ पे हम देंगे बूटस्ट्रैप, जो फाइल हमने देखी बूटस्ट्रैप डॉट मी डॉट जेएस ओके से। चलो अभी हम चेक करते कि ये अप्लाई हो रहा है क्या, अभी ये काम कर रहा है क्या। HTML कुछ तो इशू आया मुझे आई थिंक। स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्ट नाम का टैग मुझे क्लोज करना चाहिए था, मैंने क्लोज नहीं किया था उसको। ठीक है चेक करते हैं, अभी देखो अभी भी नहीं आ रहा है ये। एक मिनट चेक कर लेते कौन सा फाइल है, मैंने बूटस्ट्रैप डॉट मीन लगाया है, जो डाउनलोड्स में हम देखेंगे इसको। बंडल डॉट जेएस ओके ओके ये मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है तो फाइल मैंने गलत दी यहाँ पे, ठीक है सेव। और अभी हम चेक करते इसको, देखो अभी आ रहा यस सर। है, तो अभी आपको ये विजिबल हो रहा है। ठीक है देखो अभी आपको क्या कर रहा है, टॉगल भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो आप मोबाइल व्यू देखते हो ना वहाँ पे ऐसा आता है क्या ऊपर, कोई भी आपका अगर वेबसाइट रहा तो जैसे थ्री डॉट्स जिस पे आप क्लिक करते हो ओके, ये सर मोबाइल व्यू का टॉगल है ओके मेनू को देखने के लिए। ठीक है तो ये भी इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, जावास्क्रिप्ट का ये फाइल अनेबल होना चाहिए, आपका ऐड होना चाहिए तब जाके ये सपोर्ट करता है। ठीक है तो ये हो गया हमारा बेसिक कि जावास्क्रिप्ट को भी हम कैसे एनेबल करें, नेविगेशन बार हम कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है ये देखो यहाँ से मैंने को पेस्ट किया इसको, इसमें कुछ भी चेंजेस मैंने अभी तक किए नहीं है। ठीक है यहाँ तक तो मैंने खाली क्या किया इसमें, ये तो एज इट इज कॉपी किया है मैंने ओके, और यहाँ पे पेस्ट किया मैंने वैसा का वैसा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने इस कंटेनर के अंदर नया बार से ये नया टैग से। ठीक है और जो हमारा नीचे है वो हमने कस्टमाइज फॉर्म बनाया है यहाँ पे नीचे। ठीक है सेव, तो इसका फाइल मैं अलग रखता हूँ, और अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक साइट। ठीक है तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अभी। इसमें कोई दिक्कत है क्या, कुछ पूछना है आपको, ऐसा कुछ समझ में नहीं, ऐसा कुछ है या फिर पहला कुछ है। हेलो या फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करो, ये वाला ऐप वाला बेसिक साइट जो है वो। हेलो आवाज आ रहा है कॉल क्या, कर दो क्या सर। हाँ सर क्या नेक्स्ट लेक्चर अभी में कॉल कर दो सर। नेक्स्ट लेक्चर है। यस सर।
सब लोग राजी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करें मंडे को। यस सर, मंडे को। ठीक है, तो इसी में से कुछ हम क्या देखते हैं तब, यहाँ पे हम तब तक स्लाइडर को देखते हैं। ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे स्लाइडर कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। ओके, इसका भी हम इस्तेमाल वहाँ पे करने ही वाले। ठीक है, प्रोजेक्ट हम जो बेसिक साइड हम बनाएंगे उसके अंदर हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, अलर्ट्स जो है, अलर्ट्स का आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको अलर्ट्स कुछ अलग तरीके से दिखाने हैं तो। बट इसको जावास्क्रिप्ट लगेगा, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों को जावास्क्रिप्ट लगने वाला है। तो अभी आपका जावास्क्रिप्ट तो हुआ नहीं है इसलिए मैं आपको ज़्यादातर नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट के बाद इसको देख सकते हैं, फिर बना सकते हैं। ठीक है, कि बटन पर क्लिक करने के बाद ऐसा हो, ये ड्यू दिखे, ओके, ये अलर्ट आए सामने, बटन पर क्लिक करने के बाद ये अलर्ट आए। यहाँ पे भी आप नीचे देख सकते हो, एग्जाम्पल होगा, देखो जैसे मैंने इस बटन पर क्लिक किया ये अलर्ट सामने आया, इस पर क्लिक करता हुए तो चला जाएगा। ओके, तो इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट लगेगा। तो अभी आपका जावास्क्रिप्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसलिए मैं ये आपको अभी फिलहाल नहीं बताने वाला। ठीक है, चलो तो अभी हम स्लाइडर का देखते हैं। तो यहाँ से आपको जो भी पसंद आए उस कोड को खाली आपको कॉपी करना है। ठीक है, तो ये जो है, ओके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो इसे कॉपी किया मैंने, नीचे ये तो फॉर्म है हमारा। ठीक है, तो इस फॉर्म के अंदर हमने क्या क्या है, एक एमडी करके रो है हमारा। ओके, देखो यहाँ पे एक कॉलम है हमारा, तो ये जो इतना स्पेस बाकी है यहाँ पे कुछ तो दिखा सकता हूँ ना मैं, तो यहाँ पे मैं स्लाइडर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो कब खत्म हो रहा है मेरा, यहाँ पे ये रो खत्म हो रहा है आई थिंक, कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ ड्यू। ओके, इस ड्यू के अंदर हम देंगे उसे। ठीक है, यहाँ पे मैं लेता हूँ एक क्लास, ओके, इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ उसको कॉल। कितना स्पेस है अभी हमारे पास, 3 दिया है ना, तो 9 है, MD 9। ओके, और इस यहाँ पे मैं खाली पेस्ट कर दूंगा इसको। ओके, जो मैंने कोड यहाँ से कॉपी किया है, ये वाला कोड यहाँ से जो मैंने कॉपी किया है यहाँ पे, ये खाली उसको पेस्ट करना है हमारे फाइल में। और यहाँ पे देखो जहाँ पे 3 डॉट आपको दिख रहे हैं, ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे इमेज का पाथ हमें यहाँ पे देना है या फिर नाम उसका प्रोवाइड करना है, और यहाँ पे भी उसका आपको नाम प्रोवाइड करना है। इस ALT टैग में, अलर्ट टैग में आपको क्या देना है, उसका नाम आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज यहाँ पे मैं एक इमेज देखता हूँ, यहाँ पे हमारे पास इमेजेस नाम का फोल्डर है, जिसको कट किया, पता है, टैग ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे। इमेजेस नाम का फोल्डर है हमारे पास, तो इमेजेस में यहाँ पे स्लाइडर है, देखो स्लाइडर 1, स्लाइडर 2, स्लाइडर 3। ओके, इस इमेज को मैं कॉपी, ओके, इसका पाथ मुझे यहाँ पे देना है। ओके, इसका पाथ कहाँ पे देना है, यहाँ पे मुझे इसका पाथ देना है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, इमेज नाम के फोल्डर में है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इमेज स्लैश स्लाइडर 1। ठीक है, स्लाइड 1 यहाँ पे भी मैं उसका नाम दे दूंगा, स्लाइड 1। ओके, तो ऐसा ही मैं इसको कॉपी करूंगा, और यहाँ पे भी स्लाइड 2 है मेरे पास वहां पे 2। अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आपको खाली इस ड्यू को कॉपी करना है, अगर आपको 10 इमेजेस दिखानी है तो इस ड्यू को आपको खाली कॉपी करना है, जो बीच वाले ये जो इमेज दिख रहे हैं ना 3 ड्यू, इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा खाली। ओके, अभी मेरे पास 3 इमेजेस है,
या फिर थ्री, कॉपी पेस्ट, थ्री सेव। चलो चेक करते हैं कि कैसे दिख रहा है, कि या फिर हमें इसमें और भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इमेज आ रहा है क्या यहाँ पे? नहीं सर, इमेज हमारा लोड नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने वहां पे गलती की है, उसका एक्सटेंशन ही नहीं दिया है यहाँ पे। देखो क्या है एक्सटेंशन, जेपीजी, तीनों का क्या है, जेपीजी एक्सटेंशन है, पर मैंने यहाँ पे जेपीजी लगाया ही नहीं था। ठीक है, खाली नाम हमने कॉपी पेस्ट कर लिया था, इस वजह से जेपीजी, और यहाँ पे मैं दूंगा डॉट जेपीजी। ठीक है, सेव किया और अभी हम चेक करते हैं, रिफ्रेश। देखो इसका विड्थ जो है वो बढ़ गया है, इसका हाइट, विड्थ तो सेम है, हाइट इसका बढ़ गया है, तो इसके हाइट को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके हाइट के लिए मैं यहाँ पे मेरा खुद का एक क्लास बना सकता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे देखो मुझे कस्टमाइज क्या लगने वाला है, अगर मेरा यह फुल वेबसाइट होता यानी मेरा फुल पेज रहता तो ये मेरा इनफ था, बट ये मेरे इस सेव तक ही मुझे इसको लाना है, तो मुझे इसका जो हाइट है थोड़ा कम करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे हाइट्स थोड़ी कम ज़्यादा है सबकी, तो इनको मैं करूँगा, हाइट्स को कम करूँगा, इतना हाइट हो इसका होना चाहिए, इससे भी कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम और एक क्लास का इस्तेमाल करेंगे जो मैं यहाँ पे ऊपर लिखूँगा। ठीक है, ऊपर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल टैग, स्टाइल टैग। ओके, वहां पे भी मैं दे सकता था, बट मुझे हर एक इमेज को फिर से देना पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मुझे उसको रीयूज करना है, इस वजह से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ओके, अभी यहाँ पे मेरे पास पहले से कुछ क्लासेस है, देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास पहले से कुछ क्लासेस है, जैसे कि आपके इमेजेस जो है। ओके, वो इमेजेस, ओके, उसके लिए कैरोसेल नाम का क्लास है। ओके, तो इस क्लास के साथ, ये जो क्लास है इसके साथ में, इसके अंदर जो इमेजेस टैग है, ये जो इमेजेस टैग है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसका हाइट जो है वो लिख देता हूँ, एडजस्ट कर लेते हैं इसको। चलो डॉट कैरेसेल स्पेस इमेज, उसके अंदर इमेज है और उसका जो हाइट है, उसका जो हाइट है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, सपोज 500 पिक्सल तक। सेव और रिफ्रेश करते हैं हम लोग, और थोड़ा कम चाहिए था मुझे, 450 करता हूँ। सेव, हाँ ठीक है, देखो अभी तीनों इमेजेस सेम साइज के हमें दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी आपका क्या हो रहा है, आपका तीनों इमेजेस सेम दिख रहा है। ओके, तो ऐसे आप स्लाइडर लगा सकते हो। क्लियर है क्या, कैसे लगाया मैंने, कैसे उसका विड्थ को भी हमने चेंज किया, सॉरी हाइट को हमने चेंज किया। हाइट का समझ में आया क्या, कैसे चेंज किया मैंने, ये ऐसा क्यों लिखा वो समझ में आया, CSS में हमने इसको यूज किया है। यस सर, सर वो स्मूथली स्लाइड नहीं होता है क्या? कौन सा ये वाला क्या? नहीं, उसके लिए फिर आप हमें फिर से यहाँ पे एनिमेशन जो हमने देखे थे, ट्रांजिशन, वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके सर, ट्रांजिशन पता है ना, ट्रांजिशन से हमने क्या किया था, स्मूथ ही किया था ना। यस यस, ट्रांजिशन का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। ठीक है,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मैं आपको ये इसका कोड भेज देता हूँ। सर इससे रिस्पॉन्सिव रहता है क्या वो, इमेज की हाइट वगैरह चेंज किया तो? हाइट से क्या हाँ देखो, क्योंकि हमने उसको कॉलम में तो डाला है, बट उसको कॉलम में कितने डाला है मैंने, 9, और उसको क्लास भी कौन सा लगाया मैंने, MD, स्मॉल नहीं लगाया मैंने। ओके, उसके लिए यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, स्मॉल लगाना पड़ेगा, कि स्मॉल के अंदर आप सपोर्ट करो उसको, स्मॉल के साइज से, यानी स्मॉल डिवाइसेस जो होंगे उसके लिए आप सपोर्ट करो। इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी, स्मॉल से रिफ्रेश। देखो चेंज हो गया क्या, अभी स्मॉल क्लास लगाया मैंने, तो ये देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये आपका स्मॉल है, क्योंकि ये कितने के हमने देखा था ना, इसका वेट कितना है, 550 के नीचे, हाँ ठीक है, 500 के आसपास है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्लासेस देने पड़ेंगे, अगर आपको अलग अलग डिवाइस पे अगर आपको इसको सपोर्ट दिखाना है। जैसे मैंने आपको दो वेबसाइट दिखाई थी, आई थिंक दिखाई थी क्या, जहाँ पे लार्ज और मीडियम था या फिर स्मॉल भी था। स्मॉल हमें जैसे कि मोबाइल पे अगर मुझे दिखाना है, मोबाइल पे भी दिखे अच्छे से, रिस्पॉन्सिव हो, तो यहाँ पे स्मॉल आपको यूज करना है। ठीक है, देन ये आपका मीडियम, जो भी जैसे कि टैब है, छोटा लैपटॉप है या फिर लैपटॉप पे 14 इंची लैपटॉप आपका, उसके आप सपोर्ट दिखाना है, तो आप MD या फिर लार्ज आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर एक्स्ट्रा स्मॉल लिया तो सब इसमें दिखता है? एक्स्ट्रा स्मॉल हमें यहाँ पे ऐसा क्लास नहीं है, ये आपको देना ही नहीं है एक्स्ट्रा स्मॉल। एक्स्ट्रा स्मॉल यानी आप जब देते नहीं हो तो ये होगा एक्स्ट्रा स्मॉल। मैंने आपको बोला था ना कि वो आपको नहीं लिखना है। ओके, जैसे हमने ब्रेक पॉइंट्स में मैंने आपको बताया था आई थिंक ये चीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको ये इसका जो कोड है मैं भेज देता हूँ आपको। और यहाँ पे मैंने और एक क्लास यहाँ पे इस्तेमाल किया था नेविगेशन के लिए, आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो यहाँ पे देखो नेवबार डार्क, ये क्या था मैंने, खाली PG डार्क करने से यहाँ पे दिखता नहीं है। ठीक है, आवाज आ रहा है? हेलो, ठीक है, सर उसकी पोजीशन भी फिक्स रहती है क्या न्यू बार की? पोजीशन मींस स्क्रॉल करे तो फिक्स रहना चाहिए? हाँ, तो वो हमने फिक्स नहीं किया ना अभी तक, हमने वहाँ पे इसलिए देखा था पोजीशन नाम का, हमने देखा था क्या उसमें एब्सोल्यूट रिलेटिव फिक्स्ड देखा था क्या हमने, तो यहाँ पे भी आपको पोजीशन मिल जाएगा। हाँ ये देखो पोजीशन है क्या यहाँ पे, यस ओके, तो वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे भी है क्या, रिलेटिव स्टैटिक, ये हमने आई थिंक देखा था CSS में। सर जब हम क्या होता है, जब हम फिक्स करते हैं ना पोजीशन उसकी नेवबार की, तो जो नीचे जो ड्यू लिखा है ना वो ऊपर से आता है, मतलब ऊपर से, मतलब पूरी बॉडी की, हाँ पूरे बॉडी के ऊपर रहता है। जैसे कि अभी यहाँ पे ये जो है, ये जो इनका नेविगेशन बार है ब्लू कलर में, ये भी फिक्स ले, फिक्स्ड है, पोजीशन फिक्स है इसका भी, ऐसा ही ना? लेकिन जब हमने पोजीशन फिक्स लिया था उसका, जब न्यू बार बनाया था, मतलब UL टैग यूज करके, तो जब हम न्यू बार के बाद जो ड्यू देंगे ना तो वो उसमें चला जा रहा है इसके नीचे। आपने ग्रेडिंग, अंकिता आपने तब ग्रेडिंग स्केल का यूज किया था क्या, ग्रिड सिस्टम? हाँ सर, क्योंकि अभी यहाँ पे देखो, इसलिए मैं यहाँ पे हर बार कुछ न कुछ कॉलम या फिर ड्यू इसके अंदर डाल रहा हूँ मैं इसको, कि अगर मैं इसको स्पेशल ड्यू ले लूँ और उसको पोजीशन फिक्स कर दूँ, एक कंटेनर लूंगा मैं, उसके अंदर मैं रो लूंगा, रो में कॉलम ले लूंगा, 12 का कॉलम ले लूंगा और उसको पोजिशन फिक्स कर दूंगा,
यार ये तो मेरा एज इट इज रहेगा, उसके अंदर में दूसरा कुछ भी नहीं पास करूंगा, आप ऐसा ट्राई कीजिए। मैंने क्या किया था सर, एक रो लिया था वो नियोग के लिए, और वो हाँ फिक्स किया था वो रो, और फिर उसके नीचे जो ड्यू लिया मैंने सेक्शन में लेके दिया देखा, लेकिन वो उसके ऊपर ही जा रहा है, मतलब नीचे ही हाँ चला जा रहा है नियोग। बूस्टअप में क्या हाँ आप मुझे यही जो मंडे को इनमें, दिखाएंगे, मंडे को लेक्चर से पहले? आई ठीक थिंक सर हेडर सेक्शन में लिया होगा तो हाँ एक हाँ तो बार। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं उसको थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे। मंडे को अगर आप दिखाओगे तो हम उसका ठीक सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, ठीक है? है, मैं चेक करती हूँ अभी। हाँ मैं आपको एक बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे आप क्या करो, कंटेनर लो, कंटेनर में रो लो, और रो के अंदर नौ बार आप डाल दो और उसका पोजीशन फिक्स कर दो। ये क्लास जो है आपका ये इस्तेमाल कर दो, पोजीशन फिक्स। ये हमने सीएसएस में भी देखा था ना, मैंने आपको बोला था कि आप अगर आपका चार्ट बॉक्स रहे या फिर ऐसा कुछ रहे कि आपको ऊपर दिखाना, जैसे मैंने आपको आरसीटीसी पे दिखाया था आई थिंक कि पोजीशन फिक्स वहां पे भी हाँ है। हेलो यस हाँ यस तो वैसा आप करके देखो, नहीं होता है तो मंडे को मुझे दिखाओ, हम यहाँ पे करेंगे, ठीक ठीक है? हाँ ओके ये देखो आप राइट साइड में देख सकते हो, बुक टिकट, दिवाली बुकिंग ओपन ओपनिंग, ये भी कैसा फिक्स पोजीशन है इसका भी, दिख रहा है राइट साइड ठीक में? हाय यस चलो फिर आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट हम मंडे को देखेंगे सर, ठीक है?